नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। मैं हूं अमित। चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। कोर्ट ने चारधाम यात्रा को 22 जून तक स्थगित कर दिया है। कोर्ट ने सरकार को नई नियमावली पेश करने को कहा है। आपको बता दें कि इससे पहले दो दिन पहले सरकार ने ये फैसला लिया था कि जिन जिलों में चारधाम हैं वहाँ सरकार ने चारधाम यात्रा को शुरू करने का आदेश दिया था, लेकिन अगले ही दिन सरकार ने ये कहते हुए फैसला वापस ले लिया कि अभी इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में चल रही है। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा उत्तराखंड के लिए बेहद अहम है। देश विदेश से श्रद्धालु चारधाम के दर्शन करने के लिए आते हैं। सरकार को इससे आय मिलती है, पर्यटन बढ़ावा मिलता है, वहीं स्थानीय लोगों को इससे रोजगार भी मिलता है। लेकिन कोरोना के प्रभाव के चलते इस साल चारधाम यात्रा अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। अब इस पर अगली सुनवाई 23 जून को होगी। चारधाम यात्रा 23 जून को शुरू हो सकती है, लेकिन ये इस पर निर्भर करेगा कि सरकार कोर्ट को क्या नियमावली पेश करेगी। अगर कोर्ट इससे संतुष्ट होता है तो हो सकता है कि 23 जून से चारधाम यात्रा शुरू हो सकती है।